हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। आई होप कि आप सभी बहुत खुश और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज हमारे देश में निकल रही हैं और इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और यंग प्रोफेशनल्स का काम होता है कि जो भी ऑफिस उनको दिया जाता है, जो डिपार्टमेंट में उनको रिक्रूट किया जाता है, वहाँ की पूरी देखरेख उनको दी जाती है, यानी जिम्मेदारी उनकी होती है। ये एक बहुत ही जिम्मेदारी भरी पोस्ट होती है। और यंग प्रोफेशनल्स का काम करने पर आपको एक तरीके की एडमिन जॉब भी मिल जाती है और साथ में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है और आपको स्टाइफंड या फिर सैलरी भी दी जाती है, जो कि अच्छी खासी होती है। इसके अलावा एचआरए भी दिया जाता है और अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ एक यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। अभी आपने देखा भी होगा कि एमपी में जो सीएम है, उन्होंने यंग प्रोफेशनल्स से अनुवाद किया था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके अंडर में यंग प्रोफेशनल्स एक साल से काम कर रहे हैं। तो यंग प्रोफेशनल्स की जॉब में आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, अभी हम देखने वाले हैं। अभी नीति आयोग में दोस्तों यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज हैं, यानी कि चार पोस्ट वहां पर हैं और ये प्रीमियम पॉलिसी बनाता है, जो कि नीति आयोग है और एक थिंक टैंक का काम करता है। इस तरीके के नेशनल इंस्टीट्यूट में, जो कि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए है, वहाँ आपको काम करने का मौका मिल रहा है। वैसे चार पोस्ट हैं और यहाँ वैकेंसीज निकलती रहती हैं और इन चार पोस्ट के लिए 32 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का पीरियड होगा यंग प्रोफेशनल्स के लिए और हर महीने 70,000 रुपए सैलरी मिलेगी। दोस्तों, मास्टर डिग्री कैंडिडेट हैं या फिर बीई बीटेक यानी कि ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं या एमबीबीएस कैंडिडेट हैं, मैनेजमेंट या पीजी डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कैंडिडेट हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उनका 12th पास भी होना जरूरी है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यंग प्रोफेशनल्स का काम होता है इनपुट को प्रोवाइड करना, तो यहाँ पर भी जो डिपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो डिसिप्लिन दिखाई दे रही है, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक, फिनेंस या फिर इंजीनियरिंग, एजुकेशन, स्टार्टअप, इनोवेशन, स्किल्स रिलेटेड, वहाँ पर थिंक टैंक को आपको इनपुट देना है, आपको इनपुट देना है, जो कि सिलेक्ट होंगे एज अ यंग प्रोफेशनल। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, 2 जनवरी 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी आपके पास पूरा टाइम है। किस तरह से अप्लाई करना है, तो नीचे जो आपको लिंक दिखाई दे रही है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी दोस्तों, वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। वहां आपको इस तरह की एक विंडो मिल जाएगी जहां पर आप रजिस्टर करेंगे, उसके बाद लॉग इन करेंगे, आपका पूरा फॉर्म भरेंगे और फिर इस तरह से आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो ई रिक्रूटमेंट नीति आयोग की वेबसाइट से आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। इसके नोटिफिकेशन और अप्लाई की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। देश के अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट में यंग प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज निकल रही हैं दोस्तों। इसी तरीके से एसएआई यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण में भी वैकेंसी निकली है यंग प्रोफेशनल्स की, जो कि करीब 3 पोस्ट हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने मैनेजमेंट, बीटेक, एमबीए की डिग्री क्वालिफाइड कर ली है और उनका बिलोंग है स्पोर्ट्स से भी। यहाँ पर जो क्राइटेरिया दिखाई दे रहा है, उन क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ, तो फिर आप दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। स्पोर्ट्स के साथ अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन इस क्राइटेरिया के साथ की है तो आप फुलफिल कर सकते हैं। आप अगर स्पोर्ट्स से बिलोंग करते होंगे तो आप जानते होंगे। अब आप इसमें जब भी अप्लाई करेंगे तो आपको एसएआई की वेबसाइट से ही दोस्तों अप्लाई करना है। यंग प्रोफेशनल्स की पोस्ट होगी, 35 साल तक की एज लिमिट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 40,000 से 60,000 तक की सैलरी आपको मिलेगी। आपको किस तरह से अप्लाई करना है, द कैंडिडेट हैज टू अप्लाई द अटैच्ड प्रोफॉर्मा ऑन ईमेल आईडी, इस पर आपको सेंड कर देना रहेगा 30 दिन के अंदर अंदर दोस्तों। तो अभी आपके पास टाइम है, आप लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी डेट होगी 23/12/2022 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफॉर्मा आपको यही मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म ये पूरा कंप्लीट करके विद डॉक्यूमेंट आपको ईमेल करना होगा दोस्तों। अच्छी सैलरी है, आप अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यंग प्रोफेशनल्स की और भी जो वैकेंसीज आएंगी उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।